नमस्कार फ्रेंड्स, अभी हमारे पास सेट आया है रिपेयरिंग के लिए, सोनी का MSC V82D। इसमें भी प्रॉब्लम जो है सब कुछ, ये पावर सप्लाई वगैरह ऑन है, सप्लाई आ रही है, डिस्प्ले आ रही है, लेकिन ऑन करने के बाद इसमें हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद इसमें कुछ टाइम बाद प्रोटेक्ट 3 आता है, प्रोटेक्ट 3 चेक मैनुअल, और इसके बाद हमारा कोई फंक्शन काम नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा फॉल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले हमें इस कवर को ओपन करना है, तो ये हमने सारा ओपन कर लिया ऊपर का कवर। अब इसके अंदर देखिए डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम इसी को सर्विस करेंगे, इसको साफ सुफ करेंगे बोर्ड को निकाल के ढंग से। ठीक है, इसके बाद फिर चेक करते हैं हम इसमें फॉल्ट। पहले तो हमें इसको सर्विस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो हमने इस बोर्ड को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, ये हीट सिंक खोल के अच्छे से बोर्ड को क्लीन कर लिया है ब्रश से। अब इसमें हम यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ये वाली, इनको और इनको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसको दोबारा फिट करके, क्या पता है सर्विस से ही ओके हो गया। और इसकी हीट सिंक पेस्ट जो है इसका दोनों का ख़त्म हो गया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हीट सिंक पेस्ट लगाना है, उसके बाद देखेंगे इसको चला के। तो हमने ये सारी रेजिस्टेंस चेक कर ली, ये सारी 47 ओम की रेजिस्टेंस हैं। इधर ये वाली रेजिस्टेंस जो है 10K की है, बाकी ये सारी 47 ओम की रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो बाकी तो ये हमारी रेजिस्टेंस सब ओके निकली हैं। तो अब इसमें हम एक बार हीट सिंक कंपाउंड लगा के चेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे फॉल्ट है कि नहीं। तो हमने ये क्लीन विलीन करने के बाद भी हमारा इसमें प्रोटेक्ट 3 नहीं गया, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो हमारा इसमें अभी प्रोटेक्ट 3 का फॉल्ट निकल गया है, हमने इसमें एक एक करके ऐसी हटाई, पहले एक नंबर हटाई, फिर दूसरी हटाई, एक एक हटा के चेक करा तो हमारा फॉल्ट निकल गया है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक ऐसी ख़राब होगी, अब एक लगा के देखेंगे। ये देखिए ये सिस्टम ऑन हो गया, और ये ऑन हो गया ब्लूटूथ, ये प्रोटेक्शन पे नहीं जा रहा है। अभी हमारे प्रोटेक्शन पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई हम दोनों आईसीओ में से एक आईसी हमारी ख़राब है। चलिए वो एक एक करके लगा के चेक करते हैं। तो ये हमारा फॉल्ट यहाँ से निकला, ये जो स्ट्रीम आईसी है, स्ट्रीम प्रोसेसर आईसी है, इसको ये आउट दे रही है नहीं दे रही है ये भी चेक करना है। पहले तो ये चेक कर लिया हमने, दे रही है साउंड, और इसके बाद ये एम्पलीफायर की 2 ICs हैं। ठीक है, इसमें ये फॉल्ट लिखा हुआ है, पिन जो है फॉल्ट वाली पिन जो है ये वाली और ये वाली दूसरी आईसी में दोनों कनेक्ट है। ठीक है, तो हमें किसी भी सेट में हमें सबसे पहले अगर एम्पलीफायर आईसी शॉर्ट नहीं है, डीसी नहीं दे रही है, तो हमें यहाँ मेन सिस्टम आईसी 109 आईसी, इसकी पिन नंबर 49 नंबर वाली पिन, इसको हमें डिसकनेक्ट कर देना है यहाँ से। डिसकनेक्ट करने के बाद हमारा ये सेट चालू हो जाएगा और साउंड आ जाएगी, प्रोटेक्शन 3 रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस हटाई है 49 पिन नंबर पिन, तो इसको हटा के हमारा प्रोटेक्शन 3 हट गया और साउंड आ गया। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सिस्टम ओके हो गया है, देखिए प्रॉपर ये वर्किंग करने लग गया है।
फ्रेंड्स, इस यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लगती है 22 के की, इसको ज़रूर याद रखें। ये ओपन होने के बाद ये आईसी वर्क नहीं करेगी। इस रेजिस्टेंस ने मुझे बहुत परेशान करा, इसको ज़रूर याद रखें। ये 22 के की रेजिस्टेंस लगती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ही हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा कंप्लीट। ये आईसी कंप्लीट तब ही काम करेगी जब ये रेजिस्टेंस ठीक होगी। ये ग्राउंड से लगी हुई है 22 के की रेजिस्टेंस, इसकी 1 2 3 नंबर पिन पे। ये अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये आईसी नहीं ऑन होगी।